Today, we will make everyone's favorite. Any guesses? Yeah, it's paneer. So let's talk about some history of paneer. Persian and Afghan rulers introduced paneer to North India in 16th century. The word paneer is derived from paneer, which means cheese in Persian and Turkish languages. So, from this paneer, you can make paneer pulao, paneer pakora, paneer masala, butter paneer masala, paneer bhurji. 1,000 years later. Paneer tikka, chili paneer, paneer shezwan, paneer 65, and many, many more recipes with it. So, the rest of the video will be continued by my mom. चलिए पनीर बनाते हैं। उसके लिए मैंने आधा लीटर अमूल गोल्ड मिल्क लिया है। एक उबाला दूध का लेने के बाद मैंने गैस से नीचे उतार दिया है और ये दो नींबू लिए हैं और मैं इसका दो चम्मच बड़े चम्मच नींबू का रस निकला है, जो हम खाना खाते हैं वो वाले चम्मच का रस निकला है। तो मैं इसमें 3 गुना 6 चम्मच मतलब पानी डाल देती हूँ। और दूध हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, सिर्फ गैस से उतारने के बाद 1 मिनट ही रखा है। और ये मैं इस पे छोटे चम्मच जितना हम थोड़ा थोड़ा करके चम्मच के ऊपर डालते हुए इसे एक डायरेक्शन में हिलाते जाएंगे ताकि हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बाजार जैसा बने, दानेदार बनेगा अगर आपने डायरेक्टली पूरा डाल दिया या गैस के ऊपर डाल दिया। तो हम इसे देखिए धीरे धीरे हिलाते हुए बना रहे हैं। हम पनीर के लिए विनेगर, सिरका, फिटकरी या खट्टा दही भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने ये नींबू के रस से जो पनीर बनाया है, ये पूरा नींबू का रस मेरा यूज़ में आ गया है और मैंने इसे पूरा बन गया है। अब इसे हम छान लेते हैं और ये जो पानी निकलेगा इसे भी आप पराठे पूड़ी में यूज़ कीजिए या ऐसे भी पीजिए, तो डिहाइड्रेशन दूर करता है। ये देखिए पूरा पानी निकाल दिया है, फिर भी अब इसमें 1-2 चम्मच पानी रहता है तो इसे एक बार अच्छे 2-3 पानी से हम धोने के बाद कपड़े में निकाल लेते हैं ताकि जो नींबू का खट्टापन या स्मेल है वो निकल जाए। इसे फोल्ड करके हम एक थाली रख देंगे और फिर एक सिलबत्ता या कुछ भारी चीज़ रख देते हैं ताकि हमारा पनीर जो है बड़े साइज़ का बने और उसमें से सारा पानी जो खट्टा या हमने जो भी डाला है जिससे वो सब निकल जाए। अच्छे साफ पानी से धोने के बाद ये हमारा पनीर एकदम तैयार हो गया है और अब इसको हम एक पानी के बाउल में ही रखेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है, आप ज़रूर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।